कपिल शर्मा शो को। पाजी, आज मैंने तरक्की कर ली है, मैंने चाय के साथ साथ कॉफी बनाना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है पाजी कि जब लड़के लड़कियां डेट्स पे जाते ना, वो चाय नहीं पीते, वो कॉफी पीते हैं। कौन कौन कॉफी पीता है? स्वागत नहीं करोगे हमारा? ठोको कॉफी शॉप का मैनेजर। हेलो, कौन हो तुम? मेरे को नहीं बजाना? नहीं, मैं कप्पू के भाई, कप्पू का भाई चप्पू। चप्पू? लेकिन तुम तो पागलखाने में थे। मैं ठीक हो गया हूँ ना, अब मैं काटता भी नहीं, अब मैं सीधा डंडा मारता हूँ। ओ हेलो, मेरे साथ ऐसे नहीं मार करना, अब मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ। तो फिर बेड पे शूशू क्यों करता है तू? ओ मेरा बेटा यार खुजूर करता है, मैं थोड़ी करता हूँ। और मेरी बात सुनो, अगर मैंने तुम्हारी पोल खोल दी ना तो? पोल खोल, इतना बड़ा हो गया जाके बैंक में अकाउंट खोल। चल कॉफी ले लो कॉफी। ओ हेलो, मेरी बात सुनो, तुम यहाँ पर कॉफी नहीं बेच सकते, क्योंकि मेरी दुकान ऑलरेडी चल रही है वहाँ पर। लोल, एलओएल। कॉफी ले लो कॉफी। यार तुम मुझे गुस्सा क्यों चढ़ा रहे हो? लोल, एलओएल, लोल। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं तुम्हारी दुकान तोड़ दूंगा। मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा। इसका मतलब तुमने ऐसे नहीं मानना, अब ना मुझे ना हाथ जोड़ने पड़ेंगे। यार प्लीज चलो। लोल, एलओएल, लोल। चलो हम लोग पार्टनरशिप कर लेते हैं। पार्टनरशिप मतलब? हाँ, एक काम करेंगे ना, सारे पैसे मैं रखूंगा, तू गिलास धोना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यार तुम्हें पता भी है ये कैसे चलती हैं चीजें? इधर आ, तू काम कर। हाँ, मैं बोलता हूँ मालिक, तू बन जा छोटू। बिल्कुल नहीं, तुम बनो छोटू, मैं बनता हूँ कस्टमर। ठीक है, मैं सिखाता हूँ तुम्हें कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले जहां जहां गंदगी है वहां वहां कपड़ा मारो। ये क्या किया है तुमने? कुछ ही कहा, जिधर जिधर गंदगी कपड़ा मारो। यार मेरी बात सुनो, ऑर्डर लो, अगर ऑर्डर लो क्या लेगा बे? ओ बाबा, कस्टमर से तमीज से बात करते हैं, ऐसे बोलते हैं। सर, ऐसे बोलते हैं, देखो ध्यान से देखो। हाँ सर, क्या लेंगे आप? मैं थप्पड़ मारूं पहले, सफाई कर चल के। यार मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। तू सिखाएगा मेरे को? मैंने मारा ही नहीं, बेइज्जती। छोटू, मेन्यू लाना। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, मैं छोटू दिखता हूँ तुम्हें? ए छोटू, कस्टमर से बात करते, नौकरी से बाहर निकाल दूंगा मैं। अभी सोचो आपने कैसे कैसे वेटर रखे हुए यहाँ पर। ए हेलो, खबरदार उसको वेटर कहा, तो नौकर है मेरा। एक्सक्यूज मी, ना मैं यहाँ पर वेटर हूँ ना ही छोटू हूँ मैं। अच्छा, हाँ जब तू है ही कुछ नहीं तो इतने बड़े शो में कर क्या रहा है? चलो मेनू लाओ, मेनू। तेनू ले तो आए और कैसे लेकर आए। ये थी बेइज्जती की तुमने, वेरी नाइस। कैसे लेकर आए तुम्हें बताओ? ऑटो से लेकर आए तुम्हें, हवाई जहाज से लेकर आए तुम्हें यहाँ पे? थोड़ा तमीज से। ओए अगर मेरी प्लेट तोड़ी, मैंने मुक्का मार दे रहे, बैठ इधर। तेरी बात मान लेता हूँ, मेरी भी माननी पड़ेगी, तुमसे पहले आऊ मैं इधर। मैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसे बोलने की? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? और ना करो साल साल भर टीवी, बताना पड़ रहा है ना कि मैं हूं कौन। देख लो पाजी, ये तो यहां पर आकर सीएम की कुर्सी पे बैठा हुआ है ना, आओ बैठो। जाओ यार चप्पू, इसके मुंह पर ठप्पू मारो, कुछ कहो यार इसको। लोल, एलओएल, लोल। यार ये सारे लोल तुमने मेरे लिए रखे हैं? मैंने तेरे पेट में चम्मच मार के सारे नूडल बाहर निकाल देने मैंने। देखो मैंने पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं करनी, आप सर मेरी दुकान पर आइए, आइए मैं आपको चाय पिलाता हूँ, आइए। इधर बैठिए, हमारी कॉफी स्टेट की सबसे बढ़िया कॉफी है। हमारी हमारी कॉफी देश की सबसे बढ़िया कॉफी। हमारी कॉफी वर्ल्ड की सबसे बढ़िया कॉफी। हमारी कॉफी इस गली की सबसे बढ़िया कॉफी। पाजी देखा, मेरी माँ ना हमेशा कहा करती थी कि कभी भी एक जगह पे बार बार जाओ ना तो इज्जत नहीं होती, कभी कभी आना चाहिए। देखो कितनी इज्जत हो रही है, इतने बड़े शो में दो दो लोग मुझे चाय पूछ रहे हैं।
और जो घर में आकर ये पूछ रहे भाई साहब हमारे पैसे कब दोगे, उसका क्या है? बिल्कुल सही नौकरी मिली है तुझे, चाय बनाने की। भगवान जो करता है ना अच्छा ही करता है। देखो भगवान जो करता है अच्छा करता है, लेकिन तुम्हें अच्छा करना पड़ेगा, यारी दोस्ती काम नहीं आती इधर। ये सही है, ये सही है, ये सही है। क्या कह रहा है यार ये? लोल दफा हो, कैफे लाते दे तू। कैफे लाते? यस। कैफे बाद में लाता, लाते ले लो। ओ तू पागल है क्या? तूने मुझे पागल कहा? कैफे मेरी गर्लफ्रेंड है, तू चाय पिला। कितनी अच्छी गर्लफ्रेंड है मेरी, दिखाओ। बढ़िया हॉट है यार, चाय ला। भाई साहब आपकी गर्लफ्रेंड हॉट है? तुझे क्या, मेरी गर्लफ्रेंड है? मेरी गर्लफ्रेंड नहीं होता, मेरी क्रिसमस होता पागल। एक चाय मिली भी लेना। अपनी दुकान पर जाकर चाय पियो, इधर के लेने आए हो? वहाँ बड़ी महंगी है, मैं नहीं जाना। इधर पिला। ओए सुन, एक बिस्कुट भी ले गया। ओए छोटू बिस्कुट ले गया। ओए हेलो छोटू, गिलास धो के लाना। यार मैं ऐसे तो चाय ठंडी हो जानी है। देखो इधर तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, उधर तुम्हारी गर्लफ्रेंड की चाय कहीं और ना गर्म हो रही है। हेलो बेबी, मैं तो यहाँ पहुंच गया, कहाँ हो तुम? कहाँ यार, ये कोई तरीका है? ये कोई इधर टाइम देके इतनी देर से आई नहीं, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, क्या? यू शट अप क्या मुझे देख लोगी? देख लो फिर आगे 9 से 12 चले रुस्तम देखने। Excuse me. Excuse me. तुम दोनों में से चाय वाले कौन है? माय सेल्फ इज चंदन चाय वाला। लड़के से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? इसमें तमीज वाली कौन सी बात है, मैंने तो यही कहा है कि मैं हूँ चंदन चाय वाला। ऐसे थोड़ी बोलना चाहिए, तमीज से बोलना चाहिए। जी हाँ भाई और बहनों, मैं हूँ आपके शहर का मशहूर चाय वाला। एक गर्मा गर्म चाय की फरमाइश की है गोरखपुर से नीनू पप्पू चिक्की और साथी ने, ऐसे बोलना चाहिए। पप्पू शर्मा, इधर इसने मेरी बेइज्जती कर दी और तुमने अपना रेडियो शुरू कर दिया है, कुछ नहीं कहा तुमने उसको? लोल। LOL, LOL. देख लूंगा तुम्हें मैं, कप्पू शर्मा, चप्पू शर्मा, देख लूंगा तुम्हें मैं, आता हूँ मैं, आज छोड़ूंगा नहीं मैं। देखो आप कहीं मत जाना, मेरे यहाँ पे ना बहुत अच्छा चाइनीज बनता है, मैं आपको खिलाता हूँ। हाँ मुझे बहुत भूख भी लगी है। ओके डार्लिंग, आ जाओ आ जाओ, तुम ऑर्डर करो, बैठो ना जी, फटाफट बैठो, ठंडा हो जाएगा खाना, आ जाओ आ जाओ, आइए आइए। यार पहली बार आया, इसका मतलब ये थोड़ी ऐसे मारोगे तुम। दूसरी बार आया, झूठ मत बोलो, बैठो। तुम बैठो, तुम ऑर्डर करो, मैं जरा वॉशरूम होके आता हूँ। भाई साहब किधर है? ये तो इधर ही रहती है, ये कहीं जाती, ये ना ये अंगूठा होता ना अंगूठा, ये जाता है, करके दिखाऊं, ये देखो ऐसे ना, ये देखो। ओए वॉशरूम कहाँ है? ये सीधा जा अंदर। अच्छा टेक केयर बेबी। एक सेकेंड ना। हेलो, हाँ नहीं मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे सर्वी कोल्ड ड्रिंक और वो गंदे से वड़ा पाव खाने नहीं आ रही हूँ। हाँ जो हमने 2 साल साथ में गुजारे उसे धोखा समझ लेना। किसी को धोखा दे रही हो? Just shut up and mind your own business. मेन्यू लाओ। मेन्यू लाओ? ये लो। अरे ये क्या है? ये क्या लिखा है? चाइनीज कैफे है ना, तो चाइनीज में लिखा सब। ओफो, अब मैं कैसे ऑर्डर करूंगी, क्या खाऊं मैं? जो चाहो मंगा लो, तुम कहो तो जान हथेली पर ले आए। एक्सक्यूज मी, आपकी आवाज कितनी अच्छी है, गाना सुनाओ ना। गाना? नहीं नहीं नहीं, गाना तो मुझे आता ही नहीं, गाना तो मतलब इट्स लाइक बिल्कुल भी नहीं। इतनी सनी सनी सा धनी 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 पता 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 गम पर नहीं से आ। I'm just बाथरूम सिंगर। अच्छा है तो कभी बुलाओ हमें। क्या क्या बोला तुमने? आप तो बुरा मान गई, ऐसे बात करोगे तो। ये क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, कभी कोई आप हमारे रिलेशन पे शक तो नहीं कर रहे? रिलेशन? हेलो होल्ड ऑन, कौन सा रिलेशन? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। देखो वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। क्या संभालोगे तुम बेबी? तो हम दोनों में कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं
भाव से पहले आप आ गए ना, तुम डरो मत, मैं क्या बोले जा रहे हो तुम, कुछ भी बोले, सुनो हम यहाँ से कहीं और चलते हैं। चलो माई फ्रेंड, चलो चलो। व्हाट फ्रेंड्स, ये मेरी गर्लफ्रेंड है यार। मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी क्रिसमस होता है यार, ये क्या पागल आदमी है। चलो यहाँ से चलो। हेलो, ऐसे कैसे, पहले बिल तो दो, वॉशरूम का बिल दो 100 रुपया। हेलो, 100 रुपया वॉशरूम? अरे वॉशरूम तो कस्टमर के लिए फ्री होता है। फ्री होता है तो ये क्या लिखा हुआ है, बाहर से खाने पीने का सामान अंदर आया तो हम नहीं छोड़ेंगे। तो अगर हमारे कैफे से पानी पियोगे फिर बाथरूम आएगा, फिर कर सकते हो। बाहर से पानी पी के आए हो हमारे कैफे में, तुम बाथरूम नहीं कर सकते। कुछ बात करें, एक मिनट। लेकिन बाहर तो वॉशरूम जाने का 2 रुपए होता है। बाहर तो चाय भी 2 रुपए की मिलती है, लेकिन 5-स्टार होटल में महंगी मिलती कि नहीं मिलती? निकालो मेरे 100 रुपए। एक मिनट, मांग तुम 100 रुपए रहे हो, बाथरूम में दरवाजा भी लगा हुआ। भाई साहब, जब जोर की लगी ना, कोई दरवाजा रोक नहीं सकता। आपने वो किसी महान विद्वान ने सही कहा है कि दया दरवाजा तोड़ दो। ओह माय गॉड, सारी सारी मेरे को बड़ी डर, मेरे को डर बड़े लगता है। छोड़ के जाओ। ओह गॉड, हाउ डेयर यू। इट्स ओके, तुम बैठो, कुछ ऑर्डर करो प्लीज। अरे क्या ऑर्डर करो, इसमें सिर्फ चाइनीज है। फटाफट एक अच्छी सी चाइनीज डिश लेके आओ, जाओ। चाइनीज डिश? हाँ जाओ। ले आता हूँ, क्या हो गया? डार्लिंग, मौसम कितना हसीन हो गया है, बारिश। लो जी, चाइनीज डिश आ गई। सॉरी यार, मेरे को नहीं अच्छी लगती, मेरे को ठीक आ जाती है। I'm so hungry, I can tell you. ये भी खाओगी? I'm very hungry, darling. सितना, सिर्फ बाबू। क्या हुआ? बाल है। मैं नहीं खा रही ये। ले जाओ इसे, मुझे नहीं खाना कुछ चाइनीज। चाइनीज नहीं खाना तो थाई खा लो। तुम्हारे यहाँ थाई फूड भी है? फूड यही है, ऐसे थाई पे बिठा के खिलाऊंगा। दो अंडों का ऑमलेट लेके आओ, जाओ। ऑमलेट नहीं बन सकता। क्यों? वो ना एक्चुअली मुर्गा मुर्गी जस्ट मैरिड, सो दे आर फैमिली प्लानिंग डूइंग। तो तुम्हारे पास नॉनवेज क्या है? नॉनवेज में? हाँ। एक जोक है, सुनाऊं? शट अप! ये क्या है? हाँ? मुझे अकेले में बात करनी है, समझो? अच्छा, अकेले में बात करनी है, आओ डार्लिंग, हम चलते हैं। ओए! मुझे उसके साथ अकेले में बात करनी है। अकेले में बोर हो जाओगे, चलो तीनों मिलके करते हैं। मेरे पास ना बड़े गॉसिप्स हैं सिद्धू जी के। ओफो! अब बताओ क्या बात करनी है? मुझे बहुत भूख लगी है। तो ऑर्डर तो दो पहले। एक काम करो, पिज्जा, पास्ता, सैंडविच सब लेके आओ। हाँ। तेरा बाप बनाएगा इतनी सारी चीजें, कोई एक चीज का ऑर्डर कर। यार मैं तो तेरा फायदा सोच रहा हूँ। मैं तेरे जैसा मतलब ही नहीं जो अपना फायदा देखता हूँ। आपकी तरफ मैं देख सकता हूँ आधा घंटा। ये मेरी गर्लफ्रेंड है, अगर उसकी तरफ देखा ना तो मैं तुझे देख लूंगा। बेबी, हम खाना कहीं और खा लेंगे। हाँ। तुम एक काम करो, 2 कप कॉफी लेके आओ और साथ में स्नैक्स ले आओ। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, आई एम ऑन डाइट, मुझे ब्लैक कॉफी चाहिए। हाँ, ब्लैक कॉफी चाहिए। हाँ, ओके। बेबी क्या चाहिए आपको? सॉरी, ब्लैक कॉफी। ओके बेबी। तुमने से बेबी को कहा? तुमने भी तो कहा। और मेरी गर्लफ्रेंड है? मेरी गर्लफ्रेंड यार, मेरी क्रिसमस होता है यार। कैसे पता नहीं कैसे लड़का फंसाया तुमने। मैंने नहीं फंसाया, एक्सक्यूज मी। अच्छा, तुम्हारे घर में चाय कॉफी नहीं बनती, इसके साथ पी रही हो यहाँ पे आके? अपनी जेब से ऐसी लड़कियों ने गोलगप्पे भी नहीं खाती पूरे। 2 रुपए के गोलगप्पे खाएंगी, फिर बोली भैया एक मीठी पपड़ी देना, कि ये देना, कि वो देना। गोलगप्पे खाती रहती। तुझे क्या? मेरी गर्लफ्रेंड, जितने मर्जी गोलगप्पे खाए वो। क्या सारे गोलगप्पे खुद खा जाए, मेरे को एक गोलगप्पा नहीं खिला सकती? तुझे क्यों खिलाएगी, मेरी गर्लफ्रेंड है। सारे गोलगप्पे खुद खा, फिर मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बोला मैं तेरे को, कितनी बार बोला यार? मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी क्रिसमस होता है। कैसे कैसे लड़कों के साथ लड़कियां पड़ जाती। अच्छा हुआ ये चला गया, वरना ना। सुनो, मैं ब्लैक कॉफी लेके आता हूँ, उससे पहले आपको कुछ करना है तो देख लो। शट योर माउथ, शट योर माउथ। इसने अभी मेरा गुस्सा नहीं देखा। क्या बोल रहा है भाई? सॉरी, देख लिया थोड़ा सा। तुम कॉफी ला रहे हो, अबे जाओ। मैं मेरे पे भड़कना नहीं चाहता, मैं तेरा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ।
तू चाहती कि तू कह दो भकू, तू कह दो काटू, तू कह दो हट। यू शट अप शट अप शट अप। तू भोगले, तू भोगले पहले। कोई नहीं बेबी, गुस्सा थूक दो। हाँ गुस्सा थूक दो। मेरा ये मतलब नहीं था, लालेंगे बेली सॉरी। सॉरी सॉरी, आई डोंट नो मुझे क्या हो गया, पता नहीं यहाँ पर देखो कुछ तो ऐसे हो गया, ऐसी यहाँ नहीं यहाँ यहाँ। बेटर बेटर बेटर, नाउ आई एम फीलिंग बेटर। कितनी क्यूट लग रही हूँ ना। एक बार ना मुंह धुला के देख लो, कई बार ऐसे होता है रसगुल्ले के अंदर से गुलाब जामुन निकल आता है। हगना मना आपस में। हमने सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है। क्या? केबल वाला पैसे बड़े मांग रहा था, हमने कहा यार क्या फायदा है, हम लोग सीसीटीवी कैमरा लगा लेते हैं, ओरिजिनल फिल्में देखेंगे, सेंसर का कोई लफड़ा नहीं। तुमने यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है? यार लगाना पड़ता है, सिक्योरिटी बहुत टाइट है, आपको पता है यहाँ पे ना फिर मक्खियाँ मर जाती चाय में डूब के। मक्खी मारने के लिए कुछ करते नहीं हो? करते हैं, हमने उनको स्विमिंग सिखाई है, फिर हम लोग उनको एयर ट्यूब भी दिए, लेकिन जिसकी लिखी है ना मैम उसकी लिखी है वो चला ही जाएगा। तुमसे कहा था मैंने कि चाय के साथ कुछ स्नैक्स लेके आना। हाँ मैं ले, बैठो हाँ। ना यार तुम्हें तो जिद बड़ा करते हो यार। इट्स ओके। ये रही आपकी चाय। या या थैंक यू सो मच। और ये रहा आपका स्नैक्स। स्नैक्स आए। स्नैक स्नैक स्नैक। अरे डरो नहीं, मेरा पालतू है। ओ टॉमी पालतू है। हेलो टॉमी, बेबी को फन शेक करो। चलो ए तो गुस्सा बड़ा करता है, इधर क्या मुड़ रहा है, इधर मुड़। चलो फन शेक करो। डर कह रहे हो, इधर आओ पागल। ये सेल्फी वगैरह तो अब आए, ये तो सालों से सेल्फी ले रहा, कम देखे सेल्फी। अब देखना इसने सेल्फी ले लिए, अगले साल बदला लेगा ये। बदला भी अगले साल लेगा, इस साल कुछ खाने को मिलेगा या नहीं? चलो कहीं और चले। ये ऐसे कैसे चले जाओ, पहले अपनी कॉफी के 100 रुपए निकालो और तुम अपनी ब्लैक कॉफी के 10,000। ब्लैक कॉफी के 10,000? तो कॉफी ब्लैक मिलोगी तो महंगी मिलेगी ना। अरे यार इतनी महंगी कॉफी यार, ये तो तुम खुले हम लूट रहे हो। देखिए मैं लूटने ना, अच्छा तो ले कहेंगे लड़की तेरे को लूटे, उसका कोई नहीं, लड़का लड़के को नहीं लूट सकता। सुनो मेरी बात मैडम, आप दे दीजिए 10,000 रुपये कॉफी का, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800000 पे कॉल करके 50 रुपये पर प्रति सेकंड की दर से कंप्लेंट दर्ज करा सकते। व्हाट रबिश, टोल फ्री नंबर पे 50 रुपये कैसे? अच्छा 10,000 रुपये की कॉफी दे सकती हो और 50 रुपये नहीं दे सकती? लेकिन मैं पैसे कहाँ दे रही हूँ? हाँ तुम बॉयफ्रेंड के होते तुम लोग क्यों पैसे देने लगी, रेसिस्ट कहीं की? अरे ऐसा मत कहो, ये बड़ी अच्छी लड़की है, मामूली लड़की नहीं है, करोड़पति है। अरे मेरी तो छोड़ो, ये अरबपति बाप की औलाद है। अरबपति बाप, अरबपति? मैं कभी दुबई नहीं गया, अरब कहाँ से आ गया? क्या? तो तुम्हारा हीरो का बिजनेस नहीं? हीरे? हाँ? मेरे घर में खीरे नहीं आते, हीरे कहाँ से आ गए? लेकिन एक मिनट होल्ड जॉन, तुम्हें तो फेसबुक पे स्टेटस लिखा था कि बाइंग डायमंड्स विद टू अदर्स। नहीं नहीं नहीं, तुमने पढ़ा नहीं है, बाय डायमंड कॉमिक्स। कार्टून जैसी शक्ल लेकर कॉमिक खरीदता है तू? अच्छा तुमने तो स्टेटस डाला था क्या बाइंग सोना चांदी? हाँ तो वो तो मैं चवनप्राश खरीदी थी और एसिडिटी हो रही थी। बुला कर को तेरा, तेरे चवनप्राश के चक्कर मेरा सत्यानाश हो गया। तुम्हारे चक्कर में मूछ वाला पांच साल में मेरे हाथ से निकल गया मुच्छन, कम से कम मुझे एक कोल्ड ड्रिंक और वड़ा पाव तो खिला देता। क्या तुम्हारे बाप से कोल्ड ड्रिंक पीती थी? क्या वो मुच्छन तुम्हारा बाप था? ए मेरे बाप का नाम तमीज से लो। वो तो सुनो, तुम आपस में बातें करनी तो मैं जाऊँ फिर। नहीं आप कुछ कहते क्यों नहीं, कैसे बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ? लोल एलओएल लोल। एक मिनट, तुझे क्या हो गया? मौत तुम्हारे सर पे मंडरा रही है, कुछ कहना चाहते हो? लोल एलओएल लोल। चप्पू शर्मा,
अगर तुमने हिलने की कोशिश की तो तुम्हें मैं अभी के अभी। मैं कहाँ हिल रहा हूँ, ये हिल रहा है। अपनी दुकान हटा दो दुकान? वरना मैं तुम्हें यहाँ से हटा दूंगा। तू हट, तू हट, तू हट, तू हट। कौन हटेगा भाई, डरता हूँ। कौन शो। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जो हमने कल पहने थे कपड़े वही पहन के आ गए। जी, क्योंकि हम कपड़ों में नहीं क्वालिटी में बिलीव करते हैं। अच्छा, इलियाना का कहना है कि ये प्रोफेशनल बाथरूम सिंगर है। प्रोफेशनल प्लेबैक सिंगर तो हमने सुना है। कभी हमें भी लाइव शो पे बुलाओ। टमाटर जैसा हो गया। दीदी देख लो आपके भाई क्या कर रहे हैं। मजाक नहीं कर सकते हम। नहीं नहीं, आप जो मर्जी करो। मजाक नहीं, तुमने शो क्या बनाया हुआ है? मजाक के ऊपर ही तो बनाया हुआ है। मुझे कपिल शर्मा शो, एक एंट्री और ले। आज मान लो आपको कोई नहीं देख रहा है, टेक योर शावर, टेक अ शावर, आई मीन माइक। ऐसे ही ना, देखो देखो, आप प्रोफेशनल सिंगर तो हो नहीं। आप तो बहुत अच्छे सिंगर हो, कैन यू डोंट हैव स्टेज फेयर। मेरा वो स्टेज फेयर का बहुत प्रॉब्लम है। तू बहुत अच्छा गाना है। बहुत ज्यादा। आई वाज जस्ट लिसनिंग टू यू। थैंक यू। वैसे आज मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ राघव भी है इधर, जिन्होंने राघव प्लीज कम ऑन, कम कम ऑन। थैंक यू सर। वैसे मैं आपको बताऊं कि मेरी फिल्म रुस्तम के अंदर इन्होंने एक बहुत अच्छा गाना दिया है, टाइटल सॉन्ग है रुस्तम का। और आप लोग, बहुत लोग ये भी जानते होंगे कि ही इज़ अ वेरी गुड सैक्सोफोन प्लेयर, राइट? तो अगर आप लोग इन्हें दरख्वास्त करें तो ही कैन प्ले। जी जी, प्लीज प्लीज। नहीं, यहाँ मिल जाएगा ना सर, हमारे हैं यहाँ पे। ओके, आप लोग के पास है? जी 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 जी, बिल्कुल सर। ऑलराइट, गिव अ बिग हैंड एवरीवन। लाओ मेरे को दो। ओके राघव, व्हाट आर यू गोना प्ले? सर इतनी प्यारी लड़कियां हैं, सो ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड यू, मैं आई थिंक कुछ ऐसा बजाऊं जो रोमांटिक हो, तो तेरे संग यारा। ओके, कैन वी कॉल ऑन वन गर्ल एंड टू गाइस, एंड जो इनके साथ करेंगी डांस, और एक और लड़की जो करेंगी इनके साथ डांस। वाओ। और कपिल के साथ कौन डांस करना चाहेगा? हाँ बेटा, तू आ जा कपिल के साथ डांस करने वाला। हाँ। कौन? उधर ही रहना, खबरदार इधर आए तो। क्यों नहीं बैठो? नहीं नहीं, अरे वो मैं दुनिया में तुम्हारे साथ डांस करना है। अरे नहीं करना। अरे वो बेचारा फैन है तेरा, तेरे से डांस करना चाहता है। कौन? मेरे को नहीं करना, मेरे भाई तुझे कसम लगे माता की, जाओ ऊपर आया तो। मैंने नहीं करना तुम्हारे साथ डांस यार, मेरे साथ यही बचे है क्या? नहीं यार मेरे भाई, प्लीज। अबे नहीं यार। ये हो गया आपका पार्टनर। नहीं नहीं, मेरा पार्टनर नहीं भाजी। भाजी वापस भेजो, क्या कर रहे हो आप? ये क्या हो रहा है? अच्छा अच्छा, हाथ ना लगा के करियो, ऐसे करियो। कम ऑन, भाजी नहीं करना ही नहीं ना। कभी कभी मैं आ जाऊंगा। अच्छा ईशा, अगर कोई आया मैंने पुलिस बुला लेनी। बैठो नीचे, कोई नहीं आएगा। What's your name? अजय। So, अजय जी ईशा के साथ डांस करेंगे। अब इलियाना के साथ कौन डांस करेगा? परी, ये देखो इसने आंख पे ताला लगाया हुआ है। ओके, सो अब मेरे साथ तू चुन ले। मैं सिद्धू बाजी के पास जाके बैठ रहा हूँ।
मेरे को नहीं डांस करना करना नहीं नहीं पाजी सारी लड़कियां लड़कियां मैं पाजी के साथ बैठा हूँ हाँ भाई कम 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 होगा तो मेरा इलियाना या ईशा के साथ मेरे को नहीं आना ये बात तब आएगा मैं क्यों करूँ महेश कुमार के साथ डांस अच्छा महेश बेटा बड़ों का लिहाज करो जाओ बैठ जाओ जान बची तो लाखों पाए जा जाओ अच्छा आप ही खुद चुन लो जल्दी करना यार बैठो बैठो बताता हूँ तुम सब तो इधर ही हो तुम सब तो इधर ही हो जब ये चले जाएंगे फिर आपके साथ अभी इनके साथ ये इनके साथ डांस करेंगे वो इनके साथ ये इनके साथ करेंगे ये इनके साथ करेंगे ये मेरे साथ करेंगे ठीक है और सबके साथ डांस होएगा ना बाद में आप मेरे ऊपर गिर जाना मेरे को मार दो अद्दा यार ठीक है मैं एंजॉय करूंगा डांस देख के वो आ रहा है फिर और नहीं थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी वेरी मच प्लीज गाइस गिव हिम अ बिग हग हमारे देश को आजाद हुए काफी साल हो चुके हैं लेकिन आज भी हमें ऐसा लगता है कि हम किसी ना किसी चीज के गुलाम है कोई व्हाट्सएप का गुलाम है कोई ट्विटर का कोई फेसबुक का कोई वैसे ही गुलाम है तो आप में से किनको लगता है कि आज भी हम किसी ना किसी चीज के गुलाम है जी भाई साहब कपिल भाजी मैं आजादी चाहता हूँ मेरा देश आजाद हुए 68 साल हो गए हैं जी लेकिन पिछले 28 साल से मैं आजाद नहीं हुआ अच्छा शादी हो गई तो जो इस तरफ बैठी हैं ये आपकी वाइफ है हाँ जी ये मेरी वाइफ है आजादी चाहिए होगी फिर शायद आपसे नहीं नहीं मुझे चाहिए क्यों कपिल पाजी मेरे मेरे अंदर 99% खूबी है एक कमी है मैं एक घंटा सवेरे तो एक घंटा शाम में लेक्चर सुनना पैंदा है को क्या कमी आप में मेरे को नॉन वेज का शौक है तो मैं वो उसको पचाने के लिए दो पैक पी लूं चलो भाई कोई बात नहीं मुर्गा नहीं ये तो बहाना है ये तो बहाना है नॉन वेज को पचाने के लिए आप ड्रिंक लेते हैं या तो उनको इस बात का गुस्सा आप उनको नहीं देते सर इसको देख लो मेरी जितनी भी मेरे को चीजें पसंद है वो चीजें छोड़ दी ने आपको पूरे दुनिया में 125 करोड़ जनता में कोई एक भी लेडीज या बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा जो आइसक्रीम ना खाता हो मेरी बीवी आइसक्रीम नहीं खाती क्योंकि मुझे बहुत पसंद है अच्छा मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ इसे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती मैं नॉन वेज खाता हूँ ये नॉन वेज नहीं खाती मतलब जो आपको पसंद है वो नहीं करना इसने प्यार बहुत करती है प्यार बहुत करती है अच्छा उनको वो तो दो माइक तो दो मैम आपने डांस बहुत अच्छा किया बहुत ही मजा आया तो यही कहीं आप वीकेंड पे इनको करके दिखा दे तो इनकी कंप्लेंट दूर हो जाए अक्षय जी की बात बताइए ये कहते हैं मुझे आजादी चाहिए इनका पोता है बहु रानी है इनकी चार बच्चे हैं और बिल्कुल फ्री माइंडेड घूमने जाते हैं साल में दोबारी उसके लिए भी इनको पूरी छूट है उसके बाद हमारे पास चार बार हमारा डिवोर्स होते होते बच गया 28 साल में अब बताइए इनको कैसी आजादी चाहिए अच्छा चार बार डिवोर्स होते होते बच्चा और हर बार जब हो रहा था तो एक बच्चा हुआ ना भाई साहब आप कभी पड़ोसी का डिवोर्स मत बचाने जाना So, अब वक्त है उन्हें यहाँ इनवाइट करने का जो फिल्म रुस्तम में एक अहम किरदार निभा रहे हैं आपकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम अर्जुन बाजवा पाजी फिल्म में अर्जुन जो हैं ये बड़ा ही अहम किरदार निभा रहे हैं सोचो फिल्म में ये अक्षय पाजी की वाइफ का किरदार निभा रहे इलियाना ये उनके साथ अफेयर कर बैठते हैं तो बाद में आपको गोली मार दी जाती है पाजी रुस्तम मैं छुपा रुस्तम बहुत ज्यादा गुन्नी रुस्तम तो आपने इनको इनके साथ सलाह नहीं की कि देखिए इन्होंने ज्यादा आजादी मांगने की कोशिश की मैंने मार दिया कह रहे हैं लो अजी गिर गया अजन आप भी वो खा रहे थे इलायची खा रहे गिर गए मैं उठा के अच्छा मैं अक्षय पाजी से तो नहीं पूछ सकता अर्जुन मैं आपसे पूछता हूँ हाँ जी ईशा और इलियाना दोनों में से कौन ज्यादा मुझे लाइक करती है आपको लाइक करती है पाजी एक बात बताओ ये जो गेम होती कोई भी गेम ले लो आप दुनिया में फोकस आपको पूरा चाहिए होता चाहे क्रिकेट हो कोई भी गेम हो पाजी तो ब्लैक बेल्ट है पाजी आदमी जब बैंकॉक जाता है तो फोकस हिल जाता है आपने बैंकॉक में रहते हुए कराटे की ट्रेनिंग कैसे ले ली जो इंसान नीचे से ऊपर जाता है कुछ बनने के लिए उसके लिए जगह डजंट मैटर
नहीं, पर वो वैसे ही प्यारे लोग इतने होते हैं ना बैंकॉक वाले, आप जाओ तो पहले ही तेल लगा के बैठे होते हाथों पर, आप भी घुटने पकड़ लेते हैं, बड़ा प्यार करते, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो इससे पहले कि मैं ही सारी बातें करता जाऊं, आप सब लोग जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप अक्षय पाजी से, अर्जुन से, इलियाना से, ईशा से जो भी बात करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जी जी सर, अक्षय सर, सिद्धू सर, कपिल सर, द गॉर्जियस लेडीज एंड ऑल द ऑडियंस, जय हिंद। जय हिंद सर। मैं हूँ कमांडेंट दिनेश कुमार चौहान, रिटायर्ड इंडियन कोस्ट गार्ड, और ये मेरे साथी हैं संजीव नायक, इंडियन नेवी से। अच्छा। सर आपको रुस्तम में यूनिफॉर्म में देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमको तो देख के बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपको कैसा लगा? जी मैं आपको सच सच बताता हूँ कि मुझे कैसा लगा। जैसे वो यूनिफॉर्म ऊपर आती है बैच के साथ, यहाँ जितने तमगे लगे हैं सब कुछ, आई स्वेयर टू गॉड, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, देयर इज समथिंग ग्रेट अबाउट अ यूनिफॉर्म। थैंक यू सर। और सर्विस से रिलेटेड ही हम आपके लिए कुछ गिफ्ट लाए हैं। आइए आइए। थैंक यू। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई होप ये आपकी वार्डरोब की शोभा बढ़ाए सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हाउ स्वीट, ये बड़ा अच्छा है सर। भारतीय तट रक्षक की तरफ से मुझे ये वॉलेट दिया गया है। तू तो गरीब है, तेरे को क्या लेगा? अरे पैसे गवर्नमेंट देगी। इसने कहा नहीं था गरीब है पिछले शो में? सरकारी वॉलेट है ना, तो पैसे गवर्नमेंट देगी मेरे को। आपको दिखाओ क्या मिला? मुझे टाई मिली है। आप तो पहनते नहीं, मेरे को दे दो। मैं सब पहनता हूँ बेटे। इतने बड़े सुपरस्टार हो गए आपको ऐसी बात? नहीं पहनूंगा। पहनो। थैंक यू सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में। थैंक यू सर। पाजी मैं ना एक सिटी केबल के लिए प्रोग्राम करता हूँ, तो उन्होंने मेरे बॉस का फोन आया, कहते आप पे मुकदमा चलाना है टॉप की अदालत में। मुकदमा चलाना? जी वो थोड़ा सा भाई ऐसे अपने लोकल चैनल के लिए है। जल्दी जल्दी सेटअप लेके आइए भाई, चलिए। नमस्कार, सिटी केबल पे आज के प्रोग्राम टॉप की अदालत में आप सबका स्वागत है। आज जिस शख्सियत पे मुकदमा चलेगा वो है बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती सुपरस्टार अक्षय कुमार। उन पर इल्जाम लगाने के लिए हमारे साथ जनता जनार्दन भी मौजूद है, जो यहां पे आरोप लगाएंगे। और आज की इस कार्यवाही को जज करने के लिए हमारे बीच आए हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू जैसे बड़े बड़े अखबारों के चीफ एडिटर को चाय पिलाने वाले मिस्टर चंदू। तो मिस्टर चंदू, आज की कार्रवाई शुरू की जाए। ऑर्डर ऑर्डर। एक चाय। प्रेमलाल मेरा। लौकी का जूस, लौकी का। एक सिकंजी, सिकंजी दे दीजिएगा। और मैं आज बनाऊं? हाँ तो बने रहो। हाँ तो फिर अदरक डाल के दे दो ना। तो सबसे पहला मैं चाहूंगा कि आप अपनी चेकबुक पे हाथ रख के कसम खाइए, जो कहेंगे सच। चेकबुक भी मेरी ले ली। इस पे हाथ रख के। तेरी आदत जाती नहीं है लोगों के पैसों पे देखने की। हमेशा अरे मेरी चेकबुक ले आई। मौसम खराब होने की वजह से ये लाइन काट दी जाए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले आरोप की तरफ। अगला आरोप तो नहीं, पहला ही नहीं हुआ ना अभी तो। अगला आरोप क्या? जज साहब मुझे लगता है अक्षय कुमार जो है वो हमारी बैंड बजाने के चक्कर में है, मुझे अगली डेट दी जाए। आप फ्री हैं तो इसका मतलब वो भी फ्री हैं। उनके पास डेट्स नहीं है। आप ये कार्रवाई आज शुरू कीजिए। आप एक काम करिए, आप यहाँ पे छोटी लाची रख लीजिए, उसको पीसते रहिए अपने हथौड़े से। जी तो ताप की अदालत में अक्षय कुमार पर पहला इल्जाम है कि आप जाम से दूर रहते हैं, तो सस्ते प्रोड्यूसर जो है आपको बहसला फुसला के कैसे फिल्म करवाएं? देखिए जाम से दूर रहना, अगर मैं पूरे जनता जनार्दन के सामने ये कहूं, क्या बुरी बात है कि जाम से मैं दूर हूं? अच्छी बात है। तो जनाब आई एम श्योर कि आप सब लोगों की बातें सुनकर आज हमारे जज साहब का दिल पिघलेगा और वो कुछ अच्छी बातें कहेंगे। जज साहब क्या मैं ये मुकदमा जो मेरे ऊपर चला है, छोटा सा जो केस है, क्या मैं जीत रहा हूं? बिल्कुल, आपको चाय भी मिलेगी इसके बाद।
जी आप क्या कहना चाहें? लेकिन जाम खाने में प्रॉब्लम क्या है? देखिए एक बात बताइए, आप उल्लू के पट्टे हैं कि पट्टे के उल्लू हैं? मैं आपसे एक ही दरख्वास्त करूंगा कि बकवास मत कर। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। दो दो चाय। पहले जो दिए थे वो भी भेजे तो नहीं आप। मेरी गुजारिश है फालतू बकवास बंद की जाए। अक्षय कुमार के ऊपर दूसरा आरोप ये है कदम कि रात में होने वाली बॉलीवुड पार्टी में ये जाते नहीं। आपकी किसी के साथ कंट्रोवर्सी नहीं होती, आप मीडिया को मसाला नहीं देते। पार्टियों में जाके मैं करूं क्या, कोई बता सकता है? डांस, लेकिन ये डांस वाली पार्टियां तो है नहीं। डांस के तो जो पैसे लेते हैं उसके लिए तो पैसे चाहिए। क्यों जाएंगे? फ्री, हम फ्री में डांस क्यों करें? हाँ। जज साहब इसके बारे में क्या कहना है? ये आप एक साथ ही बोलिएगा, हर एक बात पे नहीं बोलना। ये मैं तो लाची पीस रहा था यार, आप ऐसे। अक्षय कुमार पर अगला आरोप ये है। मैं अगला आरोप उस औरत से सुनना चाहूंगा। जी मैं, मेरी बारी आ गई। हाँ आप। मैं चाहूंगा, मुझे ये महिला बड़ी अच्छी लगी। ये साड़ी आपने नागपुर से मंगवाई है? क्यों? संतरा कलर की है इसलिए पूछा। आप मोटरसाइकिल पे आई हैं यहाँ तक? नहीं नहीं। आपका हेयर स्टाइल ऐसा लगता है आप उल्टी होंडा चला के आई हैं। यूं आई है यूं। महिला जी अगला आरोप आप सुनाएं। मेरा आरोप तो आप पर ही है। बात दरअसल यह है कि मैं एक हीरोइन हूँ, मेरा नाम बेबी नाज है। जाचो ठेप ने बड़े हीरोइन। आपको क्या तकलीफ है? डेट देखा तेरे हीरोइन। हाँ ठीक है, मैं आई एम हीरोइन। हेलो। हाय 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 हाय। मान लीजिए मान लीजिए। चुप कर। मेरा प्रॉब्लम ये है कि ये आज भी हीरो बनकर आते हैं, मैं कब की मार्केट से गेट आउट हो चुकी हूँ। आखिर हम हीरोइंस के साथ ऐसा क्यों होता है? नाम नहीं बदलती, बेबी नाज, अभी तक बेबी है आप। बेबी हटाइए, अब आप नाज हैं। बताइए ये बेबी है, ऐसा लगता है इनके पेट में बेबी है। नहीं वो ऐसा कुछ, बेबी नाज नहीं, आप बड़ा वाला जहाज हो चुकी हैं। क्या कंप्लेन? नहीं कंप्लेन यही है, सब कहते हैं काम मिलेगा काम मिलेगा, लेकिन काम कभी नहीं मिलता। तो शेव करवा के क्यों नहीं जाते? तो इनका आरोप यह है कि सिर्फ लॉन्च होती रहती है। क्या गलती है? मैं तो एक्टर हूँ, कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर थोड़ी हूँ। एक बार आप ही मुझे चांस देके देखिए, ऐसा कुछ नहीं कि मैं फिट नहीं हूँ, बड़ी फिट हूँ मैं। आइए स्क्रीन टेस्ट दीजिए। आइए 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 अदालत में आइए, आज स्क्रीन टेस्ट दीजिए अपना। यहाँ अच्छा जज साहब आप कोई सीन सुनाएं जो ये करके दिखाएंगी। ठीक है आप एक सीन करके बताएं। सीन ये है कि आपको डाकुओं ने पकड़ा हुआ है। हाँ। आपके पति छुड़ाने आए। हाँ। उन्होंने आपके पति को पकड़ लिया। अच्छा। और वो कह रहे हैं कि जब तक तुम नाचोगी तुम्हारे पैर चलेंगे, तब तक होगा कुछ भी नहीं। अच्छा पति कौन है? अक्की? मैं हूँ। मेरा पति? अब यही खड़ा रहूं या बाहर आऊं? बाहर आइए बैठे बैठे। आप पर डांस से पहले एक आरोप है, आपने हमारा काम खराब कर दिया। आपने हमारा जो भी कहना चाह रहे मेरे कर रही है। चलो उधर, इससे तो मानते नहीं, उधर चलो। मेरा पति छूटा कि नहीं छूटा? आपको कितनी बार कहा है चलते मुकदमे बाहर नहीं निकलना, उधर बैठिए। जाचू कहते हैं आप, चलिए उधर। अच्छा मुझे तो खुलवाओ। आप खुल चुके हैं, और ज्यादा क्या खुलेंगे आप। अक्षय कुमार पर अगला आरोप यह है कि आप साल में 5-10 फिल्में कर देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टीवी पे काम करते हैं और एक आध फिल्म भी आ चुकी है, वो सारा साल आपकी फिल्मों की प्रमोशन करने में लगे रहते हैं, वो अपनी दूसरी फिल्म कब करें? आप लोगों को अभी बताऊं, ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले इनके प्रोड्यूसर साहब मेरे पास आए, कहा कि हाउसफुल 3 के लिए जब आप आए तो इतना हमारी TRP इतनी बड़ी और उसमें इतना माल कमाते हैं, उसमें इतने सारे लोग जो हैं इतने पैसे मिलते हैं, फिर भी ये इंसान इस बात पे कंप्लेन करता रहता है। अगर ये प्रोड्यूसर यहीं कहीं बैठी है इनसे पूछ लीजिए कि अगर इन्होंने कहा कि नहीं, कहा कि नहीं, खड़े होकर जवाब दीजिए। तकनीकी खराबी की वजह से ये सारी बातें रिकॉर्ड नहीं हुई हैं। क्यों? काट दिया जाए।
आप पर जनता का अगला आरोप है कि आप जो बोलते हैं वो करते हैं, जो नहीं बोलते वो डेफिनेटली करते हैं। तो आप हमें बताएंगे कि आप क्या नहीं करते हैं? मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ क्या। मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ और जो नहीं बोलता हूँ वो डेफिनेटली करता हूँ। तो आप क्या नहीं करते हैं? मैं इसकी तरह हीरोइनों को जो भी आती है यहाँ उनको प्यार नहीं करता, गले नहीं मिलता। ये सही बात बोले हैं, ये सही बात बोले हैं। ये कौन है, ये कौन है? हम देखिए, हम दूध वाले हैं, बच्चू चौबे, माय नेम माय मिल्कमैन। देखिए, हमारा आप पर आरोप है कि क्या है कि नलके में पानी नहीं आता है सुबह सुबह, उससे पहले तो आप जाग जाते हैं। तो अगर हम चाहें कि आपके दूध में पानी मिलाएं तो मिलाएं कैसे? यू वेक अप टू अर्ली। बिल्कुल सही कहा, मोटा आदमी पानी नहीं मिलाएगा तो खाएगा क्या? लेकिन आपसे दूध मंगाता कौन है? हमारे पास तो खुद की गाय है। अरे हम, आप किसकी गाय हैं? देखिए, मैं आपसे मोटे भैया एक रिक्वेस्ट करनी चाहूंगा कि आप फालतू में बहस में पड़ रहे हैं। अगर आप खुद चारा खा लें तो गाय से ज्यादा दूध आप दे सकते हैं। और बच्चू चौबे का शरीर देख के इस पे एक गाना आया, बच्चू चौबे जवान हो गया, खड़े हो जाओ, हाय दूध की दुकान हो गया। गाइए गाइए, बच्चू जवान हो गया, हाय दूध की दुकान हो गया। दा 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 दा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। सो अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, चाय की दुकान नहीं है जो अदालत आप ऐसे कैसे नतीजे पर पहुंच गई? आप बकवास बंद करें आप अपना। यार वो आरोप मान तो रहे नहीं है, मैंने कहा चलो नतीजे पर पहुंच जाते हैं। नतीजे पर पहुंच जाते हैं। कौन से मतलब मैं को जो अभी तक मैंने बात बोली है कुछ गलत बोला है? फिर मैं जाजू, और मेरी कोई मांस ना, मैं जाजू। मैं जाजू। ये किस तरह की सीट है सर? मैं जाजू। इससे गद्दी हटा के हम टॉयलेट में भी यूज कर लेते हैं। अगला आरोप वो कोर्ट वाले भाई साहब से करवाइए। तो मैंने आपसे ये कहना है अक्षय भाई कि हम सारा साल सुनते हैं कि सलमान खान की फिल्म ने 400 करोड़ किया, शाहरुख की फिल्म ने इतना करोड़ किया, आमिर खान की फिल्म ने इतना करोड़ किया, लेकिन मार्च के एंड में पता चलता है सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स आपने दिया। वाँ 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 वाँ, बात तो है, ये बात है। ये मेरे मन में बहुत अच्छा और बहुत अच्छा, ये इल्ज़ाम नहीं था, ये अच्छाई की इन्होंने। तालियां, बैठ जाइए। तो अगला इल्जाम अक्षय कुमार पर यह है कि सब खान्स की फिल्में ईद, दिवाली, न्यू ईयर पर रिलीज होती हैं, आपकी किसी फेस्टिवल पर रिलीज नहीं होती। क्या आप फेस्टिवल नहीं मानते या आपका कैलेंडर जो है वो खराब है? ये मैं समझता हूं कि मेरे लिए जब भी मेरी फिल्म रिलीज होती है वही एक फेस्टिवल होता है। वाह वाह वाह, अरे इतने फेस्टिवल नहीं है जितने इनके फिल्में आती हैं। अगर देखो तो आप सभी बात है। अब देखिए, अब इन्होंने इस बात पे ऊपर उंगली उठाई। मैं कह रहा हूं इस यहाँ पे दो इंसान पिटने वाले, एक जज पिटेगा और एक ये डॉक्टर पिटेगा, और दोनों के बाल एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं, दोनों की शक्लें एक जैसी हैं, मिलती जुलती हैं। बट देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस ऑफ क्लास इफ यू सी। आई एम नाइन्थ क्लास पास आउट, इज इवन टू स्टैंडर्ड पास आउट। इसने तो पहली भी दो बार में किया, आपको पता नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बातों से बड़ा मुतासिर हुआ हूँ। अक्षय कुमार पर अगला आरोप ये है कि ये बहुत जल्दी उठ जाते हैं, और यहाँ तक कि ये भी सुनने में आया कि आज सबसे पहले अदालत भी इन्हीं ने खोली है। इतनी जल्दी क्यों उठते हैं आप? जी हमने सुना है बचपन में अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, सबने सुना है, लेकिन सारे उठते नहीं है। आप ही एक मैं उस पर अमल करता हूँ, कोई गलत हुआ। मैं 3 बजे उठ के कर रहा हूँ क्या, मुझे बताइए। 3 बजे नहीं, 4 बजे। 4 बजे क्या कर रहा हूँ मैं उठ के? पढ़ाई करो।
आज अगर पढ़े लिखे होते तो कहीं बाहर कहीं आपका डॉक्टर लगा होता अगर पढ़ा लिखा और क्या 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 अस्पताल खोल रखा 50-50 हॉस्पिटल मरते दम तक आपके साथ बाकी सब भगवान के हाथ। चलिए आप अक्षय कुमार हैं, इंटेलिजेंट हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि नवजोत सिंह सिद्धू इनके हैं, इनके हैं, हमारे हैं या आपके? Once again, okay, I am so sorry for that. Order, order, order. Sidhu, na kaap ke hain, na taap ke hain, apne baap ke hain. I must say, aap Akshay ji, humko doctor ko bol rahe the. आप जो फिटनेस के पीछे पड़े रहते हैं गुड फॉर यू, हमारा क्या? लोग फिट हो जाएंगे तो हमारा तो धंधा बंद हो जाएगा ना, कोई आएगा ही नहीं। तो मैं आपके धंधे के लिए अपने अपनी दुकान बंद करा लूं, अपने मतलब मैं कुछ ना करूं, मैं कोई कसरत ना करूं? लोगों को मैसेज देते हैं आप, उसमें मेरे को थोड़ा सा लगता है। मुझे पूछा जाता है, मुझसे लोग पूछते हैं। कौन पूछते हैं मेरे को बताइए, मैं उसको ठीक करूंगा। लोग पूछते हैं मुझसे। पर अक्षय जी को पता है कि आपका धंधा बंद नहीं होने वाला है, अगर हॉस्पिटल नहीं चलेगा तो आप साड़ी पहन के भी पैसे कमा लेते हैं। जो अक्षय कुमार अपनी फिल्मों में गुंडों को पीटते हैं उनके जब चोटें लगती हैं वो तो आपके यहाँ आते हैं ना? या वेरी नाइस क्वेश्चन, ये तो मेरे दिमाग में नहीं आया, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि मैं एज ए डॉक्टर सोचता नहीं। अगर मैं सोचता हूँ तो पेशेंट को लगता है डॉक्टर सोच रहा है तो मैं इसके पास इलाज करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ, वो चला जाता है तो मैं बिना सोचे इलाज कर देता हूँ, वो बिना सोचे मुझे मार देते हैं। डॉक्टर साहब आपको पता आपने कितनी बार उधर मुंह करके बात करके उसके ऊपर थूका है बेचारी औरत पे? आपको देखिए मुझे अगरबत्ती चढ़ानी चाहिए ऐसी औरत के ऊपर। बेटे मैं देखने रही एज ए जेंटलमैन तेरे फादर की बेइज्जती हो रही है, तू कोई कुछ मेरी बेटी सवाल पूछेगी? जी बेटे पूछो। अच्छा सर आप पे ये आरोप है कि आप हमेशा अपनी फिल्मों में लंबी हीरोइनों को क्यों लेते हैं, मुझ जैसी को क्यों नहीं लेते हैं? मैंने बेबी नास को लिया था पहले, ये लंबी लगती है, ये फैली हुई लगती है ना। तो आपने एज ए गोट साइन किया था ना फिल्म में, मेरी बेटी तो हीरोइन है। बेटी का भी स्क्रीन टेस्ट होगा आज, लगाओ भाई गाना। चलिए ये अच्छा है। स्क्रीन टेस्ट के लैग में आपको चीज बताता हूँ आपको बेटे। माय डॉटर इज अ वेरी गुड मार्शल आर्ट चैंपियन, शी डू वेरी गुड कराटे एंड ऑल जूडो वगैरह, बहुत अच्छा। आप अदालत का समय जाया कर रहे हैं, आप अदालत के कारपेट पे ऐसे कौन बिठाता है भाई है? जूडो कराटे मेरी बेटी करेगी। बेटे कम ऑन शो द टैलेंट मिस्टर अक्षय कुमार, देखिए क्या कराटे का डाल। पापा आप यहाँ आए तो मैं दिखाऊंगी ना अक्षय सर को कितना आता है। आप इधर आ जाएं डॉक्टर साहब, आप इधर इधर मरे उधर उधर चले थोड़ा आगे हो जाएं। इधर आए डॉक्टर साहब, आप वकील इधर आए ना ब्लॉक। ये ऐसे डायरेक्शन कौन देता है, मैं ऐसे कैसे डायरेक्शन देते हो तुम लोग? इधर आए, सीधा बोलो आदमी वहां चले जाओ। और तुम मेरी बात सुनो डॉक्टर साहब, अदालत की तोहीन हो रही है। अरे अरे पता नहीं चल रहा है कब से अदालत की क्यों उठता है डॉक्टर, क्यों नहीं जाके? और मैं जाचू तेरे चिट्टे बालों के बीच में काले बाल दिख रहे हैं। ये तो जज लग नहीं रहे, लगता है किसी ने चुड़ैल के बालों में बम चला दिया है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। बैठ जाइए प्लीज। अच्छा चलो यार जो स्क्रीन टेस्ट करना जल्दी करो। ऑर्डर ऑर्डर। पापा टर्न मेरी तरफ थूके। शी इज वेरी गुड जूडो। जूडो देखिए इतने जोर से मार रहा मेरे को कुछ नहीं हुआ। आई एम स्टैंडिंग लाइक अ बॉल। एंड कुछ नहीं हुआ आपको? नथिंग हैपेंड टू मी। अक्षय सर इनको कुछ नहीं हुआ, आप ही कुछ कर लो, आई थिंक कुछ हो जाएगा फिर डेफिनेटली। hey. वो सीरियसली ले लेते हैं, उनको हिंट देने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा पहले एपिसोड्स में भी यार। आइए आप, मैंने आपके बहुत पर मैं तो सीखूंगी ना सर से। सर इनका कहना है कि इनको कुछ नहीं होता, दो जरा एक क्रैक। आप इधर आइए। चलिए
अब आएगा मजा। है तेरी है। पापा। मेरे को मजा है। एज ए लेडी जितनी तूने मार खाई है उतनी तो किसी ने खाई नहीं है। मेरे को ये पुरानी बातें छोड़िए। चलो 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 रेडी, ये छोड़ दीजिए। स्टेथोस्कोप भी दे दीजिए निकाल के। ये भी निकाल दीजिए। हालत में वॉकमैन सुनते हैं बदतमीज। ये भी निकाल दीजिए। ये उस तरह का प्रोग्राम नहीं है। नहीं उस तरह का नहीं है, मुझे पता है। आज असली मार्शल आर्ट देखी जाएगी कि इस इंसान के अंदर कितना दम है। हाँ। और वो दम पंच मार के या किक मार के नहीं देखा जाएगा। हाँ। आज इस इंसान की क्या मैं बताऊंगा। ये खोलिए ना आप, मेरे गुदगुदी तो नहीं करेंगे ना? गुदगुदी नहीं करूंगा। आज देखिए इसके इतने सारे बाल हैं, ये हम वैक्सिंग करेंगे। आज देखिए इसके इतने सारे बाल हैं, ये हम वैक्सिंग करेंगे। तो भाइयों आज मेरी बात सुनिए। सर आपने कराटे सीखा है? नहीं, मैं ये कहाँ का जुड़े हुआ है मेरे को पता नहीं है। कब बोला? ये तो फिर वाली बात होगी। इधर आइए। ये कहाँ का जुड़े हुआ है? ये कहाँ का टाइकवांडो है आप बताएं मुझे। नहीं, अरे ये कुछ नहीं होता है। ये दूसरा हाथ भी आ जाए। खोलो जज साहब। जज साहब बाल बाल भी नहीं। ये देखिए ये है प्रूफ, इस इंसान के अंदर बहुत जान है। अभी इसका डीएनए होगा। डॉक्टर साहब ले आते हैं आपकी अमानत। अरे लाइए लाइए, स्ट्रेचर लेकर आओ। आप ठीक तो हैं? आई एम एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। जरा वो ये देखिए, स्ट्रेचर तो लेके आए। ये देखिए सारा साफ हो गया। मैंने बड़े दर्द हुए। अब पता चला आपकी बेटी को कितना दर्द होता होगा जो वो वैक्सीन करवाती हैं। अभी तो वहाँ वैक्सीन की नहीं है, जहाँ दर्द हो। मैंने बड़ी पीड़ हुई। मैंने ना बहुत ज्यादा है। आज से बेटी आप जज। जाइए बैठ जाइए। मैं जज हूँ। कपड़ा उठे जाओ, दुबई टी स्टॉल जाओ। ये इतने अग्रेसिव क्यों है मेरे को पता नहीं। साथियों इससे पहले कि अक्षय कुमार किसी और का पकड़ के वैक्सीन कर दें और अदालत को बहुत दर्द होगा, नहीं, और हम अपनी कार्यवाही यही स्थगित करते हैं। हमें नहीं करना आप पे कोई इल्जाम, हम अपनी माफी चाहते हैं। सारे इल्जाम हम ही कमीने हैं, हमारा हमसे कसूर हो गया, हमें माफ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और एक बार जोरदार तालियां अक्षय बाजी, इलियाना, ईशा और अर्जुन बाजवा के लिए। और एक बार जोरदार तालियां टॉप की अदालत की। बाजी बहुत मजा आप सबके साथ और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, हम हमेशा ही देते रहते बाजी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।